कितना अद्भुत लिखा है। गोस्वामी जी जानते हो क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं, मुंह कहो ही बाचाल, जिस पर राम जी की कृपा हो, जिस पर भगवान की कृपा हो ना मैया, तो गूंगा भी बोलने लगता है। मुंह कम करो ति वाचालम, मुंह कहो ही बाचाल, गूंगा भी बोलता है किसकी कृपा से। इसीलिए कहता हूं, डॉक्टर भी इलाज करते करते कई बार ये कहा करते हैं कि इलाज करना हमारा काम है, ऑपरेशन करना हमारा काम है, बचाना ना बचाना ईश्वर का काम। ऐसा डॉक्टर बोलते हैं ना, भगवान चाहेंगे तो बचेगा, हम तो भाई ऑपरेशन कर देंगे। मतलब डॉक्टर इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी डॉक्टर भी भगवान के भरोसे ही काम कर रहे हैं कि नहीं? कहने का अर्थ यह है कि भगवान चाहेंगे ना मेरी माँ, तुम गूंगा भी बोलेगा। इसीलिए आप सबसे ज्यादा विश्वास केवल भगवान पे किया करो, अपने राम पर विश्वास किया करो, अपने श्याम सुंदर पर विश्वास किया करो। हमारे सीताराम जो हैं, हमारे राम जी सब कुछ करने की ताकत रखते हैं, गूंगा भी बोल सकता है। और पंगु चढ़ा ही गिरी वर गहना, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है, लंगड़ा भी। ये जो बात लिखी है ना, ये मुझ में पूरी घटित हो रही है। आपको हमने पहले कहा था कि हम मूकम करोति वाचालम, सच कहूं तो मैं गूंगा ही हूं, मैं निरक्षर हूं, गूंगा, एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता हमसे, हम गूंगे ही हैं, हमसे कुछ नहीं आता पर बोल रहे हैं, तो ये भगवत कृपा से ही बोल रहे हैं। ये हमारी अपनी शक्ति नहीं है, ये हमारी अपनी बुद्धि नहीं है। तो गूंगा भी बोलता है भगवान की कृपा से, उसका प्रमाण ये दास अनिरुद्ध है कि मुझ जैसे गूंगे भी बोलते हैं किसकी कृपा से? मेरे श्याम सुंदर की, मेरे रघुनाथ जी की कृपा से। और दूसरा लिखा है, पंगु चढ़ ही गिरी वर गहना, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। जब भगवान कृपा करते हैं ना मेरी माँ, तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। आपको हमने बताया था कि हम लगभग 2013-14 में हम छत से गिर गए थे, 20 फीट ऊपर से गिर गए थे, और हमारा कोल्हू टूट गया था। डॉक्टर को एक्सरे कराए, डॉक्टर ने कहा ये तो हड्डी चूरा हो गई है, बिखर गई है अंदर अंदर चूरा होके। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर बोला कि थोड़ा सा हड्डी के ऊपर हड्डी ऐसे चढ़ गई थी, 20 फीट ऊपर से गिरा था ये दास अनिरुद्ध। हम गिर गए थे ऊपर से, छत से, दूसरी मंजिल से, 20 से 25 फीट की ऊंचाई रही होगी, क्योंकि एक छत लगभग 11-12 फीट का होता है, तो दो छत थे तो लगभग 24 फीट की ऊंचाई थी। गिर गए, और जब गिरे तो कोल्हू हड्डी के ऊपर चढ़ गई। डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ सकता है, और उसके बाद भी ठीक हो जाए कोई गारंटी नहीं। डॉक्टरों ने कहा ये आदमी, हमको कहा कि अब ये जीवन भर लंगड़ाता हुआ चलेगा, क्योंकि अब हड्डी जुड़ेगी तो थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे पाँव के घुटनों में छेद करके ईंट लटका दी, हड्डी टूटने वाले को ना ईंट लटका देते हैं, तो चार ईंट लटकी रही, फिर तीन ईंट, फिर दो ईंट, दो महीने तक ईंट लटकी रही, मैं बिस्तर में पड़ा रहा। मैं उतने ऊपर से गिरा पर मरा नहीं। मुझे आज पता चला कि भगवान ने मुझे बचाया क्यों, शायद मेरे द्वारा अन्य क्षेत्र बंटवाना था बिहारी जी को, वृद्धमाओं की सेवा करवानी थी भगवान को, इसीलिए शायद बिहारी जी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो तब प्राण निकल गए होते, मर गया होता, तो अब तक तो सब भूल गए होते कि कोई मुझ नाम का व्यक्ति था। हाँ प्रिय भक्तों, डॉक्टरों ने कहा कि ये आदमी चलेगा तो लंगड़ाता हुआ, मैं वैसाखी लेके भी चला,
और आपको तो ताज्जुब की बात बताऊं, जब मैं हॉस्पिटल से घर आया 3-4 महीने बाद घर आया तो बैसाखी लेके मैं चल रहा था, 2 बैसाखी थी, दोनों बैसाखी के भरोसे मैं बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। तभी हमारे गांव के हमारे एक चाचा जी हम कहा करते हैं उनको चाचा, उन्होंने कहा हमसे चलो चित्रकूट चलें, यूं ही कह दिया हमसे चित्रकूट चलें। उस समय हम सुबह सुबह हमारे घर के पास मंदिर था तो हम रोज मंदिर जाके बैठा करते थे। मंदिर लगभग 100 मीटर की दूरी पे था, 150 मीटर की दूरी सामने ही था मंदिर, पर वहां तक चलने में उस समय टाइम लगा। मैं जाकर बैठा तो हमारे चाचा जी, गांव के चाचा जी थे, वो आकर बोले चलें चित्रकूट। हमने कहा चलो। उस समय हमने एक गमछा लपेट रखा था और एक पतला सा गमछा ओढ़ रखा था, केवल शरीर में 2 कपड़े थे, एक ओढ़ने का और एक लपेटने का, और बैसाखी लिए थे क्योंकि बीमार आदमी ज्यादा कपड़ा पहनता नहीं है। चाचा ने कहा चित्रकूट चलें। उसी क्षण अभी दवाइयां गोली सब चालू था, चाचा जी ने कहा चलो चित्रकूट। हमने तुरंत सहर्ष स्वीकार किया और पैदल निकल पड़े। पैदल पास में स्टेशन थी, वहां गए और जाने के बाद संयोग से ट्रेन मिल गई। उसी हाल में राम जी बैसाखी लेकर खड़े हैं और खड़े खड़े हम वहां से चित्रकूट पहुंच गए। और चित्रकूट पहुंचकर चलना नहीं आता था, मुझे वो दृश्य याद आ रहा है। और हमने चित्रकूट पहुंच करके कामतानाथ भगवान की पूरी परिक्रमा वैसाखी लेकर के लगाई। शायद राम जी की दृष्टि पड़ गई कि ये बालक वैसाखी लेके परिक्रमा लगा रहा है। तो ये देखो यहाँ लिखा है पंगुम पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है कब, जब भगवान की कृपा होती है तब। इसीलिए उसके बाद देखो ना तो मुझे ऑपरेशन करना पड़ा, ना तो मैं लंगड़ा हुआ, बिहारी जी की कृपा से हड्डी सही सलामत जुड़ गई, ना जाने क्या हुआ। डॉक्टर ने जब आखिरी एक्सरे किया तो ताज्जुब खाया कि ये कैसे हो गया। आपके सामने बैठा हूँ, दौड़ भी लेता हूँ, कबड्डी भी खेल लेता हूँ और आपके सामने बैठा हूँ। लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है, ये सबूत मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सबूत हूं। भगवान की कृपा होती है ना मेरी माँ, तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है, और वो लंगड़ा कोई और नहीं, मैं खुद वो लंगड़ा हूं। मेरे जीवन में ये सारी जो ग्रंथों में लिखी हैं बातें, वो जीवन में घटनाएं घट चुकी हैं, और उनको उन घटनाओं को घटने के बाद भी ये दास भगवान के चरणों को कभी छोड़ा नहीं, तो आज बिहारी जी ने आपके मध्य बिठा रखा है, आपके चरणों की धूल मुझे मिल जाती है, यही मेरा सौभाग्य है।